बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैकरोनी चीज़। मैकरोनी चीज़ में इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता चलूँ, कुछ इस तरह है कि इसमें 4 चम्मच जाएंगे टेबलस्पून मैदे के और 1/4 जाएगा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का, 1/4 ऑर्गेनो का और तकरीबन 1/4 चिली फ्लेक्स जाएंगे इसमें। बटर जाएगा 75 ग्राम, नमक जाएगा आधा चम्मच, आप अपने हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्रोनीज जो है उसका एक पैकेट जाएगा, ये 500 ग्राम्स हैं, आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। इसके साथ हम डालेंगे इसमें मज़रोला चीज़ ग्रेटेड किया हुआ और चेडर चीज़ ग्रेटेड किया हुआ, दोनों 125 से 125 ग्राम जाएंगे, दोनों 250 ग्राम जाएंगे इसमें। आप खुद भी लेके मज़रोले को और चेडर चीज़ को आप उसको खुद ग्रेटेड कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उधर मैंने पास्ता बॉइल करने के लिए, सबसे पहले हम इसमें बटर को पैन के अंदर मेल्ट कर लेंगे। ये भी पास्ता का सॉस बनाने की रेसिपी में आपको बता रहा हूँ। बटर को आपने मेल्ट कर लिया, बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गया, उसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया है मैदा डाल दिया इसमें। मैदा डाल के भी मैदे को अच्छी तरह भूनेंगे। ये आपको मैं सॉस की रेसिपी बता रहा हूँ। दिस इसको मैदे को अच्छी तरह भून लें मटर के अंदर, जैसे ही आपको भूनेंगे आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर। थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाल दिया, सारा नहीं डाला भी, ये बाद में भी हमें काम आएगा। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके अंदर, चलिए इसमें हमने काली मिर्च डाल दी है और इसको चमचा चलाते रहना, चमचा नहीं रोकना बस। अभी साथ ही हमने इसमें चीज़ डाल दिया, इसको हमने अभी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के साथ अभी काफ़ी थिक हो गई है, थिक होने के बाद मैं कुछ ही दिखाता हूँ कि इस शेप में आ जाएगी इस फॉर्म में। अभी हमारा अपना घर का बना हुआ पास्ता सॉस रेडी है। अभी हम इसको मैकरोनीज हमने उबालनी है, मैकरोनीज उबाल के अभी उसके ऊपर हम इसको डिश आउट करके फिर इसको हम रख लेंगे। हमने अभी मैकरोनीज को मिक्स कर दिए, मैकरोनी को मिक्स करके अच्छी तरह इसको आप चम्मच के साथ मिक्स कर दिए। हमने इसमें मैकरोनीज डाल के सॉस के अंदर जो घर में हमने बनाया था अभी आपके सामने रेसिपी बताई है आपको, उसको अच्छी तरह डाल के अभी तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच के ऊपर आपने भून लेना है। फिर उसको उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, देखिए इस शेप में आएगा। मिक्स हो गया उसके बाद हम इसको डालेंगे डिश आउट करके, फिर हम इसको उसके अंदर रखेंगे ओवन के अंदर। डाल लिए, अभी इसके ऊपर हम चीज़ डाल के और इसको फिर हम ओवन में रखेंगे। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया 6 के रख के ऊपर रख के, अभी नेक्स्ट स्टेप अब आप बताओ। देखिए ये तकरीबन 10 मिनट इसको ओवन में रखा है, 10 मिनट के बाद हमने इसका रंग देखा है, आप ऊपर से बिल्कुल ब्राउन होना शुरू हो गया। अभी ये रेडी टू सर्व है, तो हम आपको इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं। Don't forget to subscribe, like and comment on our new videos.